अपने घर को अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन एंड ऑर्गेनाइज करके रखना होम ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जिस तरीके से परफेक्ट इडली बनाने के लिए परफेक्ट बैटर की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका घर भी डीक्लटर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खाना भी किसी को अच्छे तरीके से परोस करके देते हैं तो खाने वाले की भूख भी बढ़ जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुश्रेया टिप्स। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। होम ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो इसमें सब कुछ शामिल होता है, चाहे वो आपका बेडरूम हो, किचन हो, वॉशरूम हो या फिर लिविंग रूम ही क्यों ना हो। जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो हमेशा संभाल करके मसाला यूज़ करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि थोड़े बहुत मसाले मसालेदानी में गिर जाते हैं, तो नीचे की साइड में मैं एक टिश्यू पेपर बिछा करके रखती हूँ। जो भी मसाला वगैरह गिरता है वो इसी में गिरता है, तो उसे मैं निकाल करके आसानी से साफ कर लेती हूँ। और नीचे की साइड में मैंने एक केक का बेस भी रखा है, जिससे मसाले के डब्बों को रखने में मुझे आसानी होती है। यह एक छोटी सी प्रक्रिया है जो आप खाना बनाने के टाइम में भी कर सकते हैं, और जब डब्बे से सारे मसाले खत्म हो जाए तब आप इसे वॉश कर ले। वैसे तो हम सभी अपने घर को या अपने किचन को अपने तरीके से साफ सुथरा रखते हैं और ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि दूसरे का घर या किचन देख के हम काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं कि उनकी तरह हमारा किचन क्यों नहीं है। उनके किचन में बहुत सारे ऑर्गेनाइजर है, लेकिन सिर्फ महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर खरीदने से ही आपका घर सुंदर नहीं बनेगा। आप अपने घर में ही कुछ ऑर्गेनाइजर बना करके रख सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं कार्डबोर्ड के, जो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजर का काम करते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने घर में ही छुपे हुए ऑर्गेनाइजर को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बच्चे तो पलक झपकते ही बड़े हो जाते हैं और साथ के साथ उनके कपड़े भी बहुत जल्दी छोटे हो जाते हैं, तो मुझे एक श्रेया का कपड़ा ओपन करना था साइड से। तो जब मैंने धागे का बॉक्स यहाँ पे ओपन किया तो उसमें मुझे इस तरीके की रबड़ की जो स्ट्रिप होती है ना, वो मिली। तो काफ़ी दिनों से श्रेया की एक शिकायत आ रही थी कि उसका जो योगा मैट है वो अच्छी तरीके से फोल्ड नहीं हो पा रहा है, बार बार वो ओपन हो जा रहा है। तो मैंने क्या किया कि इसी जो रबड़ वाली स्ट्रिप थी ना, दोनों तरफ इसको सिलाई कर दिया और इसको रबर बैंड की तरह योगा मैट में लगा दिया। अब उसका योगा मैट कहीं से ओपन भी नहीं होगा और ये अच्छे तरीके से फिक्स भी हो गया है। कपड़े की सिलाई ओपन करने के लिए बहुत सारे लोग सुई या फिर सेफ्टी पिन का यूज़ करते हैं, जिससे काफ़ी टाइम लग जाता है। आप इस तरीके का थ्रेड कटर मार्केट से ले सकते हैं, जो कि आपको 40 से 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, और ये बहुत अच्छी तरीके से कपड़े की सिलाई को निकालता है और बहुत फास्ट वर्क करता है। यह जो थ्रेड कटर होता है, इसका आगे का जो पार्ट है वो काफ़ी शार्प होता है, जो धागे को बहुत तेज़ी से कट करता है, और कपड़े की सिलाई ओपन करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि छोटा सा ऑर्गेनाइजर ही हमारे बहुत काम आता है और हमारे काम को आसान बना देता है। यही काम अगर आप किसी टेलर को देने जाएंगे तो एक कपड़े का वो 50 रुपीज़ चार्ज करेगा। अगर आपको इस तरीके की ज़रूरत होती है तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर अपने पास आप खरीद कर रख सकते हैं। कई बार ये ऑर्गेनाइजर आपको धागे के डब्बे के साथ ही मिल जाता है, जैसे कि मैंने ये जो धागे का डब्बा है ना फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो उसी के साथ में मुझे ये ऑर्गेनाइजर मिला, जो मेरी काफ़ी हेल्प करता है। कपड़ों की सिलाई बहुत जल्दी और बहुत आसानी से निकल जाती है। कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं वो बहुत बेस्ट होते हैं किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए या फिर स्टोर करके रखने के लिए। मैं कार्डबोर्ड का बॉक्स तो यूज़ करती हूँ, साथ के साथ थर्मोकोल का बॉक्स भी यूज़ करती हूँ, जो कि एक बेस्ट ऑर्गेनाइजर होता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, जैसे चूड़ी के बॉक्स हो गए या मेडिसिन या फिर सिंदूर बिंदी वगैरह, तो उन सबको स्टोर करने के लिए मैं ये बॉक्स यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी मजबूत भी होता है, और कभी आप ऐसी चीज़ परचेज करते हैं जो जैसे कांच की हो, तो उसके साथ आपको ये बॉक्स ऑनलाइन मिल जाता है, या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर से भी इसे ले सकते हैं। ये जो थर्मोकोल के बॉक्सेस होते हैं ना, काफ़ी मजबूत होते हैं। छोटे बच्चे के लिए आप इसे स्टूल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे एक प्लांटर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं।
जब भी आप इस तरीके के बॉक्स में कोई चीजें स्टोर करते हैं, बशर्ते वो खाने पीने की ना हो, तो उसमें एक फिनाइल की गोली जरूर डालें। इससे उसमें इंसेक्ट वगैरह भी नहीं लगेंगे और उसमें से कोई स्मेल भी नहीं आएगी। इस तरीके के बॉक्स को आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कहीं पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं तो इस बॉक्स में आप बर्फ़ डाल दें और उसके बाद पानी की बॉटल रखें, तो लंबे समय तक वो ठंडी भी बनी रहेगी। इसका यूज़ मैं मिरर के साइड में करती हूँ, जहाँ पर मुझे 3 टायर का एक रैक रखना होता है, जिससे उसको अच्छी हाइट मिल जाती है और चीज़ें निकालने में मुझे आसानी भी होती है। मिरर के साइड में मैं एक छोटी सी टोकरी रखती हूँ। जब रूम क्लीन करती हूँ तो जो चीज़ें वहाँ पर बिखरी हुई रहती है इस टोकरी में डाल देती हूँ, और जब मुझे टाइम मिलता है तो सारी चीज़ें अपनी जगह पर रख देती हूँ। इससे कमरा बिखरा बिखरा भी नहीं दिखता है और क्लटर भी नहीं दिखता है। और सारी क्लिप को स्टोर करने के लिए मैं इस छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स का यूज़ करती हूँ, जो मुझे बैंगल के साथ में मिला था। इस तरीके के बॉक्सेस ना आपको बैंगल के साथ में मिल जाते हैं, जो चीज़ें स्टोर करने के लिए काफ़ी बेस्ट होती है, और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से आपको आसानी से विजिबल भी हो जाती है कि इन बॉक्सेस में आपने क्या रखा है। इस तरीके के छोटे छोटे जो कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं ना, वो भी बेस्ट ऑर्गेनाइजर होते हैं किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। ये बॉक्स मुझे कप के साथ में मिला था, इसका मैं ऑर्गेनाइजर बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी पेपर या फिर कपड़ा लगा सकते हैं। इसे मैं मिरर के साइड में रखूंगी और इसमें हेयर ड्रायर और हेयर स्ट्रेटनर को रखूंगी, क्योंकि यहाँ से चीज़ें निकालने में ईजी हो जाती हैं और आसानी से विजिबल भी रहती है और इधर उधर फैली हुई भी नहीं रहती है। कई बार ना छोटी छोटी चीज़ें हमारे बहुत काम आती है। अगर इस तरीके का बॉक्स अगर आपके पास पड़ा हुआ हो तो एक बार ज़रूर अपने घर पर नज़र मार लें कि इस बॉक्स की ज़रूरत आपके घर में कहाँ पर है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइज़र ही खरीदें। कार्डबोर्ड के बॉक्स होते हैं वो यूज़ थ्रो होते हैं, आप उन्हें यूज़ करें जब तक वो चल रहे हैं, उसके बाद आप उसे थ्रो कर सकते हैं और ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलते हैं। मेडिसिन को स्टोर करने के लिए आप मेडिसिन ऑर्गेनाइज़र या बॉक्स खरीद सकते हैं, या फिर इस तरीके का सिंपल सा बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये बॉक्स मुझे बैंगल के साथ में मिला था, जो कि ट्रांसपेरेंट है, तो इसमें रखी हुई सारी दवाइयाँ मुझे आसानी से विजिबल भी हो जाती हैं। और इस बॉक्स में आगे के साइड में 2 लॉक लगे हुए रहते हैं, जिससे ये बॉक्स आसानी से लॉक भी हो जाता है और कोई भी मेडिसिन इसमें से गिरती भी नहीं है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते रहते हैं तो इससे आपका जो घर है वो क्लीन भी होता है और डिक्लटर भी होता जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही होता है किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके या फिर सहेज करके रखना। इससे उस चीज़ की लाइफ भी बढ़ जाती है और वो लंबे समय तक हमारा साथ भी निभाती है। ये जो बॉक्स है इसमें श्रेया के सारे गॉगल्स रहते हैं, जिसको मैं आज अच्छी तरीके से क्लीन कर रही हूँ। जो भी चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा पड़ी हुई उन सबको यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि चीज़ें हम रख करके भूल जाते हैं और टाइम पर हमें मिलती भी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन करने से या फिर घर को क्लीन करने से वो चीज़ें हमें मिल जाती है जो हम काफ़ी लंबे समय से ढूंढ रहे होते हैं। इस बॉक्स को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करके ऑर्गेनाइज कर दिया है, अब देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसमें से गॉगल्स निकालने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। कई बार डेयरी मिल्क जब भी हम बड़ा पैकेट लेते हैं तो उसके साथ आपको इस तरीके के बॉक्सेस मिलेंगे, जिसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं और इसमें चीज़ें रखने में काफ़ी ईजी होता है। तो इस बॉक्स का भी यूज़ आप कर सकते हैं बच्चों की स्टेशनरी वगैरह को रखने के लिए। कबर्ड में जो ड्रॉवर बने हुए हैं उसमें मैं बॉक्स का ही यूज़ करती हूँ। इससे चीज़ों को निकाल कर ड्रॉवर को क्लीन करने में मुझे इजी होता है और चीज़ें आसानी से विजिबल भी हो जाती है और ज़्यादा मैस भी क्रिएट नहीं होता है। ये छोटे छोटे जो बॉक्स होते हैं ये ड्रॉवर में आसानी से फिट हो जाते हैं और चीज़ें भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित रहती हैं। ज्वेलरी के जो बॉक्स होते हैं वो भी बेस्ट स्टोरेज का काम करते हैं।
चेन के बॉक्स हो गया या फिर किसी पेन का बॉक्स हो गया, वो काफ़ी काम आता है किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए। इस बॉक्स में मैंने सारे ब्रशेस को रखा है जो एक जगह रहते हैं और इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं और टाइम पर मुझे मिल भी जाते हैं। ये छोटा सा बॉक्स है देखने में, लेकिन ये काफ़ी काम आता है आपको। इसी तरह स्पैक्स के डब्बे होते हैं, वो भी आपके बहुत काम आते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरीके के स्पैक्स के वीडियो में बच्चों के आप स्केच पेन वगैरह रख सकते हैं या फिर आप छोटे मोटे मेकअप प्रोडक्ट भी रख सकते हैं। ट्रैवलिंग में ये बहुत काम आता है और बहुत यूज़फुल भी होता है। जो भी आइडियाज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। अगर आपके पास भी कोई बेस्ट आइडिया है तो मेरे साथ आप वो शेयर कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है तो आप मुझे बताएं, मैं कोशिश करूंगी उस पर भी वीडियो बनाने की। यहाँ पर मैं श्रेया का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रही हूँ सूखे पत्तों के साथ, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कॉफ़ी बनाई है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, वो सूखे पत्तों से बनाना है जो कि स्कूल में श्रेया को मिला है। तो इस तरीके से तीन तो हम लोगों ने बना लिया है, बाकी के दो बचे हुए हैं जो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ। कई बार बच्चों को ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं जिससे हमारा दिमाग ही बिल्कुल ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि इन प्रोजेक्ट को कंप्लीट कैसे करें या फिर पूरी गर्मी छुट्टी इन्हीं प्रोजेक्ट को बनाने में ही बिता दें। ये जो प्रोजेक्ट है इसमें काफ़ी मेहनत और काफ़ी दिमाग लगने वाला है, लेकिन इससे एक चीज़ ये सीखने को मिली है कि किस तरीके से आप वेस्ट मटेरियल से भी अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है वो ड्राई लीफ से ही बन रहा है। इसमें लीफ को ना कटिंग कर करके किसी जानवर का या फिर किसी बर्ड का शेप देना है। खैर, काफ़ी मशक्क़त के बाद ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सच मानिए तो इस प्रोजेक्ट में मुझे काफ़ी मेहनत लगी। प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद मैंने बनाई यहाँ पर इडली। हर बार मैं इडली बाहर से बैटर लेकर के आती हूँ, उसी से बनाती हूँ, लेकिन इस बार जो मैंने इडली बनाई है वो दाल चावल को भिगो करके बनाई है। दो कटोरी मैंने यहाँ पर चावल लिया है और एक कटोरी उड़द की दाल, उसमें एक चम्मच मेथी दाना और एक चम्मच चने की दाल डाली। इन सबको रात भर भिगो करके रख दिया और सुबह मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। फिर दिन भर अच्छे तरीके से ढक करके मैंने इनको रख दिया ताकि इसमें थोड़ी सी खमीर आ जाए। फिर शाम को मैंने इस बैटर को फेटा और इसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और फिर इडली बनाई। जब भी आप इडली बनाते हैं तो सांचे में थोड़ा सा ऑयल लगा दें, इससे इडली बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। और यकीन मानिए, ये जो इडली है ना, बिल्कुल सॉफ्ट बन करके रेडी हुई है, क्योंकि इसमें ना खमीर बहुत अच्छी तरीके से हो गया था। आप इसी बैटर से डोसा भी बना सकते हैं। आई होप आज की जो वीडियो है आप लोगों को थोड़ी यूजफुल लगी होगी। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।